नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का LLB 3 ईयर LLB का एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, बैचलर ऑफ लीगल लॉ। देखिए, फैकल्टी ऑफ लॉ BHU जो है ये इंडिया के टॉप 5 लॉ कॉलेजेस में वन ऑफ द बेस्ट है और इसे फैक्ट्री ऑफ जजेस कहा जाता है। हर साल ही यहाँ से अच्छी संख्या में मतलब जज निकलते हैं PCSJ जो होता है, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन जुडिशियरी के लिए एंट्रेंस एग्जाम, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बनते हैं सीधा ही। तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो आपको लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब LLB आपने किया होना चाहिए। 5 ईयर भी हो सकता है, चाहे आफ्टर ग्रेजुएशन 3 ईयर्स का भी होता है तो वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ इसकी विशेषता है। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, मतलब एजुकेशन और एकेडमिक्स के मामले में इस फील्ड में, लॉ के फील्ड में, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री है। ठीक है, तो इसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है इसी पिछले महीने, उसका मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे, पूछ रहे थे, कई सारों ने फ़ोन करके मेरे से पूछा, तो लेकिन मैं समझता हूँ कि सबको ही यूट्यूब पे ये इसको अपलोड कर दूंगा तो सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे, वो अपना समझ लेंगे। ठीक है, देखिए, मैं जो ये कट ऑफ बनाया हूँ और पिछले साल के पेपर, मतलब पिछले 4-5 सालों के पेपर को देख के और उनका कट ऑफ को देख के, और इस साल का पेपर पिछले साल से थोड़ा सा आसान था तो उसका भी मैंने एनालाइज करके प्रॉपरली इसको किया है। ठीक है, हो सकता है 4-5 मार्क्स आगे पीछे होंगे लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि इससे ज़्यादा ऊपर नीचे अप डाउन नहीं होगा, लगभग लमसम यहीं के आसपास आपके मार्क्स आएंगे तो आपका एडमिशन हो पाएगा, कट ऑफ में आ पाएंगे। ठीक है, टोटल आपको पता है कि 230 सीटें हैं यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो लॉ फैकल्टी है। ठीक है, थोड़ी बहुत पेड सीटें भी हैं। ठीक है, तो उसका भी मैं बता दूंगा। ठीक है, पेड सीटें क्या होती हैं कि आपको नॉर्मल फ़ी तो जितना लगेगा उतना तो पे करना ही होगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्जेस दैट यू हैव टू पे एवरी ईयर देन अपार्ट फ्रॉम बेसिक फ़ी। ठीक है, ये होती पेड सीटें। ठीक है, तो उसके लिए भी एक कट ऑफ रखा जाता है। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ कि देख लीजिए कैटेगरीज हैं, जनरल, OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, एंड देन SC शेड्यूल्ड कास्ट, एंड देन ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड देन पेड सीट्स। ओके, चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं जनरल से। तो इस साल का 2018 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल के लिए वो होगा, इट वुड बी लैंडिंग समवेयर अराउंड 255 to 60, 255 से 260 के बीच में इस बार का जो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आने वाला है ये BHU LLB के लिए 3 ईयर लॉ, वो 255 से 60 के बीच में आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, इनके लिए 195 से 200 के बीच में आपका कट ऑफ आएगा, 4-5 मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, OBC के लिए कितना होगा, 195 to 200 ओनली। ओके, देन SC शेड्यूल कास्ट, उनके लिए होगा 150 to 155, 150 से 155 के बीच में आपके मार्क्स होंगे या उससे ऊपर होंगे तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, इतना उम्मीद है इस बार। ठीक है, ST शेड्यूल ट्राइब, इसके लिए है 65 से 70, 65 to 70 मार्क्स यू हैव टू गेट, मतलब यू हैव टू गेट एटलीस्ट 65, मोर देन 65, अगर 65 प्लस तभी आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, पेड सीट आप जान लीजिए, देखिए पेड सीट जिनके भी मार्क्स 235 से प्लस होंगे, जनरल कैंडिडेट्स वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, 235 से प्लस मार्क्स होंगे तो आपको पेड सीट में एडमिशन मिलने की बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो जल्द ही डिक्लेयर किया जाएगा, मतलब कुछ नहीं तो जुलाई के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज आर्ट्स फैकल्टी में या पूरे बनारस यूनिवर्सिटी में जो नॉर्मली ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं उन सब में BHU लॉ, लॉ 3 ईयर लॉ या इवन BA LLB, उसमें BA LLB का सेशन सबसे पहले शुरू होता है जुलाई के फर्स्ट वीक, मतलब 10 जुलाई तक 100% शुरू हो जाता है विथ फुल फ्लेज, फुल स्पीड के साथ, मतलब सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं, पढ़ने लगते हैं, टीचर्स स्टार्ट टेकिंग देयर क्लासेस। ठीक है, रेगुलरली, तो ये होता है, बहुत ही डिसिप्लिन फैकल्टी है भैया। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी, मैंने फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि जनरल के लिए 255 to 60, देन OBC के लिए 195 to 200, देर आफ्टर इट कम्स SC के लिए 150 to 55, देन ST के लिए 65 to 70, एंड देन पेड सीट 235 प्लस। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, मैं समझता हूँ अगर वीडियो को देखकर थोड़ा सा भी लाभ हुआ है, कुछ सीखा होगा आपने, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ लाइक, और अगर इस वीडियो को
आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कर सके तो मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा, ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो जाए। अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके करियर के लिए, आपकी सहायता के लिए मैं जो कुछ भी वीडियो बना सकूं तो आप तक इजीली पहुंच जाए, कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए, ठीक है। इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वन एंड ऑल।